बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ख़वातीन हज़रात, आज कल हर कोई बेरोजगारी के मसले की वजह से बहुत परेशान है। आज एक रोजगार के लिए आजमुदा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही या आपके घर में रिज़्क़ की तंगी है या आप माली मुश्किलात का शिकार हैं, तो इस वजीफे को लाजमी करें, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। आजकल बेरोजगारी आम मसला है, तो रोजगार और हसूल रिज़्क़ के लिए अस्माए हुस्ना से बड़ा मौसर कोई भी नहीं। इंशाल्लाहुल अज़ीज़ इस अस्मे इलाही की बरकत से आपके रोजगार और हसूल रिज़्क़ का मसला यकीनन हल हो जाएगा। पूरे खुशू यानी यकीन, मुकम्मल आदाब और पूरी तरकीब के साथ अगर आप ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फायदा हासिल होगा। बुजुर्गाने दीन ने इस अमल को हसूल रिज़्क़ के लिए बड़ा ही जोरदार असर और अजीब अमल करार दिया है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हाजतमंद अल्लाह ताला के इसमें मुबारक से फैज हासिल कर चुके हैं, लिहाजा आप भी इस नूरानी अमल से फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने रब जलील पर पूरा भरोसा रखते हैं तो इस वजीफे को पूरे भरोसे के साथ और पूरे यकीन के साथ करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। हमसे ये एक हमारे भाई ने शेयर किया है कि वो कहते हैं कि मैंने रब जलील पर पूरा भरोसा किया और इस वजीफे को पढ़ने वाले की हर हाजत जरूर पूरी होती है। वो कहते हैं कि मैंने इसका अमल 2004 में किया और वजीफा मुकम्मल करते ही बहुत बेहतरीन मुलाजमत मिल गई। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी कारोबारी मसाइल हल हो जाएं और आपके रिज़्क़ में भी इजाफा हो जाए और आपकी माली मुश्किलात खत्म हो जाएं, तो इस अमल को जरूर कीजिए। जो अमल आपने करना है वो ये है कि आपने पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और फिर उसके बाद आपने 1100 मरतबा या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ना है। और इंशाल्लाह इसके पढ़ने से आपके रोजगार के लिए आपने दुआ करनी है और रब्बुल इज्जत की बारगाह में नहायत आजी से दुआ मांगनी है। आखिर में दोबारा आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इंशाल्लाह इस वजीफे को करने के लिए आपने सुबह फजर और शाम इशा के बाद 40 दिन तक ये वजीफा पढ़ना है। अक्सर उससे पहले ही अल्लाह पाक रोजगार अता फरमा देते हैं, मगर फिर भी आपने 40 दिन तक ये अमल करना है। जगह की और नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और गुनाहों से परहेज बहुत जरूरी है, क्योंकि गुनाह इंसान के रिज़्क़ को खा जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का वजीफा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अल्लाह ताला के नामों में बड़ी बरकतें और बड़ी रहमतें हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को अगर आप किसी भी नाम से पुकारते हैं तो वो यकीनन आपकी हर हाजत हर परेशानी को दूर फरमा देते हैं। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला को उसी के खास नाम से यानी या अल्लाह या रहमान या रहीम, वही रहम करने वाला है और वही कर्म करने वाला है, तो इंशाल्लाह वो आपकी परेशानी को भी दूर कर देगा और आपके लिए रिज़्क में भी इजाफा फरमा देगा इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो फायदेमंद लगी होगी। वीडियो को पसंद आने पर लाइक करते हुए दूसरों के साथ सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि किसी और का भी भला हो सके। ख़वातीन हज़रात, हमारी हर वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके मसाइल को हल करना और आपकी परेशानियों को दूर करना होता है, और हमारी कोशिश होती है कि हमारी वीडियो के जरिए किसी को भी रहनुमाई हासिल हो सके। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।